बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बट आज हम डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रिगनार्ड रीजेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है हेडिंग ग्रिगनार्ड रीजेंट। तो ग्रिगनार्ड रीजेंट एक डेरिवेटिव है अल्काइल हैलाइड का। आप देख सकते हैं RMGX, तो अल्काइल हैलाइड है ये, RX आपने पढ़ा हुआ है। उसको जस्ट मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं, तो मैग्नीशियम इन दोनों के दरमियान बॉन्ड ब्रेक करके आ जाता है, तो इसको हम कहेंगे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रीजेंट क्या होती है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जो सबसे ऊपर शो की हुई आप देख सकते हैं। और इसको हम ग्रिगनार्ड रीजेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने ये कंपाउंड बनाया था उसका नाम था विक्टर ग्रिगनार्ड। तो इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होने की वजह से बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसकी वजह से इस कंपाउंड का नाम साइंटिस्ट के नाम पर रख दिया गया, ग्रिगनार्ड रीजेंट। उसके बाद इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बेटा कौन से कंपाउंड्स को कहते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन जो है डायरेक्ट किसी मेटल के साथ अटैच हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन के साथ अगर मैग्नीशियम अटैच है तो इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसी तरह डाई इथाइल जिंक, ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें जिंक किसी अल्काइल ग्रुप से अटैच है। इस तरह अल्काइल लिथियम, एन ब्यूटाइल लिथियम, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो डायरेक्ट किसी मेटल लिथियम से अटैच है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का आपको समझ आ गया कि ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें जो कार्बन है, ऑर्गेनिक पोर्शन की जो कार्बन है वो किसके साथ अटैच हो? किसी मेटल के साथ, जैसे यहाँ मैग्नीशियम के साथ अटैच है। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रिगनार्ड रीजेंट जो है ये डेरिवेटिव है किसका? अल्काइल हैलाइड का। तो इसको अल्काइल हैलाइड से ही ड्राइव किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं प्रिपरेशन में सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, RX। RX का मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। जब ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम देखें दरमियान अल्काइल हैलाइड दरमियान से बॉन्ड टूट गया यहाँ से, और मैग्नीशियम इसके दरमियान में ऐड हो गया। तो इसको हम सिंपली कहेंगे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसकी एग्जाम्पल आप कर लें तो इथाइल ब्रोमाइड जैसे है, उसको मैग्नीशियम मेटल से ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या बना? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बहुत ही आसान रिएक्शन है, इसमें कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है ना इसका मैकेनिज्म है, जस्ट आपने मैग्नीशियम दरमियान में लगा दिया है। असल इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें ईथर सॉल्वेंट यूज हुआ है। ईथर सॉल्वेंट या रिएक्टेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है, जो पूछता है पेपर में क्वेश्चन में, कि ऑल रिएक्टेंट्स मस्ट बी प्योर एंड ड्राई। ऑल रिएक्टेंट्स जैसे इथाइल ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम मेटल है और ईथर सॉल्वेंट है, कहता है इन तमाम चीज़ों का जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं और जो सॉल्वेंट ईथर है, इट मस्ट बी एब्सोल्युटली प्योर एंड ड्राई। क्या वजह है इसकी? प्योर मतलब इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, ड्राई मतलब मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। बेटा इसकी ये वजह है, ये जो ग्रिगनार्ड रीजेंट बना है ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर उसमें इम्प्योरिटी कोई मौजूद है या उसके अंदर कोई मॉइस्चर मौजूद है तो ये उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट करके ये ग्रिगनार्ड रीजेंट नहीं रहेगा बल्कि कोई और कंपाउंड बना देगा। इसलिए ये एहतियात आपने याद रखनी है कि ऑल रिएक्टेंट्स मस्ट बी प्योर एंड ड्राई बिकॉज ग्रिगनार्ड रीजेंट इज सो रिएक्टिव। ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर आपने लिख देना है। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि कौन सा अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम मेटल के साथ फास्ट रिएक्ट करेगा और कौन सा स्लो करेगा। तो बेटा ये हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर भी पढ़ा अल्काइल हैलाइड में कि अल्काइल आयोडाइड्स इज द मोस्ट एक्टिव वन। क्यों? क्योंकि इसकी डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है, ब्रोमाइड की एनर्जी ज़्यादा है, क्लोराइड की और ज़्यादा है, फ्लोराइड की और ज़्यादा है। तो अल्काइल आयोडाइड्स आर द मोस्ट एक्टिव वन, ये क्वेश्चन भी देखे लिखा हुआ है। विच आर द फॉलोइंग मोर रिएक्टिव विद मैग्नीशियम मेटल? तो अल्काइल आयोडाइड्स आर द मोस्ट एक्टिव वन, ये तफसील हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल ग्रुप, कि अगर आप हैलोजन एटम सेम रहे लेकिन अल्काइल ग्रुप चेंज करते जाए, मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, तो फिर कौन ज़्यादा एक्टिव होगा? तो बेटा याद रखें, जितना अल्काइल ग्रुप छोटा होगा, स्मॉल होगा, उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। याद रखें, जितनी चेन लंबी करती जाएंगे आप, लेंथ बढ़ाते जाएंगे, तो उतना ही अल्काइल हैलाइड लेस रिएक्टिव होगा विद मैग्नीशियम मेटल। तो अगर इसका आप क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग मोर रिएक्टिव विद मैग्नीशियम, तो मिथाइल हैलाइड याद रखें सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, तो इसको मैंने टिक किया हुआ है। तो ये दो MCQs इस ऑर्डर से रिलेटेड आपको आने चाहिए।
उसके बाद तीसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द सॉल्वेंट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट, ग्रिग्नार्ड एजेंट की सिंथेसिस में कौन सा सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है बताएं। शाबाश, बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, या सारे यूज हो सकते हैं। तो याद रखें सिर्फ ईथर यहाँ पे यूज होता है, उसकी क्या वजह है वो अब आगे देखें लिखा हुआ है। फंक्शन ऑफ ईथर, कहते हैं ईथर का क्या फंक्शन है बेटा, याद रखें ये मैग्नीशियम जो है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में, ये जो मैग्नीशियम है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको बताइए। मैग्नीशियम किस ग्रुप में है बेटा, सेकंड ग्रुप में। तो सेकंड ग्रुप में जो एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में दो ही होंगे, अगर कोई एलिमेंट थर्ड ग्रुप में है तो उसके वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर कोई एलिमेंट फोर्थ ग्रुप का है जैसे कार्बन है उसके वैलेंस शेल में फोर होंगे, अगर कोई एलिमेंट पांचवें ग्रुप का है जैसे नाइट्रोजन उसके वैलेंस शेल में फाइव होंगे। तो ये भी बात याद रख लें, जो एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, जो मेन ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन थे, उसने दो शेयर कर लिए, एक हैलोजन के साथ और दूसरा बेटा अल्काइल के साथ। इससे क्या हुआ, मैग्नीशियम का एक दो इलेक्ट्रॉन पहले थे, दो उसने शेयर किया तो कितने हो गए टोटल बेटा, फोर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन अभी तक ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एट इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एट इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, ईथर इसलिए बेटा जरूरी है यहाँ पे। ये ईथर के दो मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, ये ईथर आपको पता है ना, ऑक्सीजन के दोनों तरफ आर लगा हो, कार्बन लगा हो, तो उसको ईथर कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, इसको ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, ये डोनेट करता है जैसे ये डोनेट करता है। तो टोटल चार पहले थे तो चार इलेक्ट्रॉन ये भी शामिल हो गए, दो इलेक्ट्रॉन फिर इसने डोनेट किए, कोऑर्डिनेट किए, तो इसके आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। एक लोन पे इधर से इसने कोऑर्डिनेट हुआ इधर से, और एक इधर से कोऑर्डिनेट हुआ, तो बेटा इसके आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसलिए स्टेबल हो गया। तो यही वजह थी कि ईथर को हम कहते थे कि इसके अंदर होना जरूरी है, अदरवाइज ये स्टेबल नहीं होगा। जैसे मछली पानी में स्टेबल है, इसी तरह ग्रिग्नार्ड एजेंट ईथर में स्टेबल है, ईथर के बगैर ग्रिग्नार्ड एजेंट स्टेबल नहीं है। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे जो है किसकी, रिएक्टिविटी की। तो रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट, ग्रिग्नार्ड एजेंट इज मच रिएक्टिव ड्यू टू सीएमजी बॉन्ड पोलैरिटी। ये क्या बात हुई बेटा, कार्बन के आपने जितने भी कंपाउंड्स आपने देखे हैं अभी तक, अगर फर्ज करें मैं एल्डिहाइड्स की बात करूं तो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसमें, आप कार्बोनाइल ग्रुप में आपको पता है ये होता है सी डबल बॉन्ड, वो कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और कार्बन की कम होती है, तो कार्बन पे पॉजिटिव होता है। इसी तरह अल्काइल हैलाइड में भी कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड में भी है, कीटोन में भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी है। तो जहां जहां कार्बोनाइल ग्रुप्स मौजूद हैं तो कार्बन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो याद रखें कार्बन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, लेकिन यहां आप देखें कि कार्बन किसके साथ अटैच है, मैग्नीशियम के साथ। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.5 और मैग्नीशियम की कितनी है 2.1, तो इनमें डिफरेंस कितना है 1.3। तो याद रखें कार्बन जब हैलोजन से डायरेक्ट अटैच था तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव था और इस पे पार्शियल नेगेटिव, लेकिन दरमियान में मैग्नीशियम आने से कार्बन जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव की बजाय इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया, जिस वजह से इसका बॉन्ड जो है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ गया। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.3 होने की वजह से ये हाईली पोलर हो गया। ये जो लिखा ना सीएमजी बॉन्ड की पोलैरिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा एक्टिव है। वजह दोबारा देखें, सीएमजी बॉन्ड इज कोवेलेंट बट हाईली पोलर, कोवेलेंट जरूर है, अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम हो तो बॉन्ड कोवेलेंट होता है, और बॉन्ड कोवेलेंट ही है, लेकिन इसकी पोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से कार्बन जो है नेगेटिव होने की वजह से ये क्या बन गया बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अल्काइल ग्रुप एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं, इसे जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा ये उसके साथ रिएक्शन कर लेंगे। तो ये रिएक्शन में जाके हम तफसील से पढ़ेंगे, ये याद रखना आपने कि रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट की मेन क्या वजह है, याद रखें सीएमजी बॉन्ड पोलैरिटी, उसकी वजह बता देनी है आपने क्या, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मैग्नीशियम की कम है। तो ये हैलोजन के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव है, लेकिन जब ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन करवाते हैं तो ये साइड जो होती है ये इनर्ट होती है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हमने तफसील से नहीं पढ़ा, बीएससी में इसको हम तफसील से पढ़ते हैं। ये बेसिकली जो ग्रिग्नार्ड एजेंट है ये डाइमर की फॉर्म में साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, जिसमें ये मैग्नीशियम हैलोजन जो होता है ये सेंटर में ब्रिज बना के होता है, जिसकी तफसील यहाँ पर नहीं है इसलिए इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जो आर ग्रुप होता है वो साइड पे होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन के नेगेटिव पे आसानी से अटैक कर सकता है। तो अल्काइल ग्रुप एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, ये मैंने बता दिया। विच अच्छा, उसके बाद जो इसके रिएक्शन होते हैं, मोस्ट ऑफ रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, इसके जो रिएक्शन होते हैं उनमें एनर्जी रिलीज होती है, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बाकी तीनों एमसीक्यूज में आपको
बता चुका हूँ। तो इस टॉपिक को समझने के बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आपने तैयार करनी है। इससे जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसी की कंटिन्यूटी होगा, वो इसके रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। और इसके रिएक्शन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ ले पेपर में इस चैप्टर में से अगर कोई मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन मेरा है या किसी एग्जामिनर का है तो वो गिलगित डिटर्जेंट के रिएक्शन ही होते हैं, याद रखें। उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी आएगी और शॉर्ट क्वेश्चन भी, और ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो एंड पे आपसे जो फिर वही रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स भी दिया करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।